यानी प्रवर्तन निदेशालय पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। सनसनी फैलाने के लिए ईडी ने संजय सिंह का नाम लिया, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। पहली बार ईडी ने किसी से माफी मांगी है, आम आदमी पार्टी कह रही है ईडी ने चिट्ठी लिखकर संजय सिंह से माफी मांगी है। आज केंद्र ने आम आदमी पार्टी से माफी मांगी है, ये कहा सौरभ भारद्वाज ने। ईडी विपक्ष को डराने का काम करती है, ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईडी पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है, उस ईडी ने संजय सिंह जी से माफी मांगी है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील जोहेब हुसैन साहब का संजय सिंह जी को लिखा हुआ पत्र है, जो उन्होंने अपने अफसरों के बिहाफ पे संजय सिंह जी को लिखा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को माफी मांगनी पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को संजय सिंह और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी पड़ी है।